7 बजे दो व्यक्ति आए और वो हमको प्रलोभन देने लग गए कि स्वामी जी संघ में आपका क्या सम्मान मिला, विहिप ने आपका क्या सम्मान किया, ट्रस्ट में आपको कोई जगह नहीं मिली, भाजपा में आपको कोई सम्मान नहीं है। तो वो लोग कहने लगे कि आप जो है आम आदमी पार्टी का, सपा का, कांग्रेस का सपोर्ट करिए। तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल और 50 करोड़ सोनिया गांधी आपको जो है देंगी, इसके बाद आप बयान जारी करिए और 2022 में किसी तरह से भाजपा को हराइए। हमने जब उनको मना कर दिया तो उन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि स्वामी जी आप साथ दीजिए, 2022 में अगर जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतती है तो यूपी का सीएम आपको बनाया जाएगा। उनको हमने जो है कहा कि आप जो है गेट के बाहर निकल जाएं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 50 करोड़ में खरीद लिया है और उनके अनुयायियों ने जो है जहां तहां माहौल बनाना शुरू कर दिया है भाजपा के और ट्रस्ट के विरोध में। तो हमने उनको कहा हमारे लिए सम्मान नहीं, हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और उन लोगों से हमने कहा सख्ती से कि आप लोग निकल जाएं, दोबारा यहां कभी आने की जो है तो दुस्साहस मत करना। इसके बाद वो लोग जो है यहां से चले गए। मैं सरकार से भी इसके लिए निवेदन करूंगा कि इस तरह के षड्यंत्र करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अगर जांच होनी है तो महंत जन्मेजय सरण की जांच की जाए, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट बना करके पूरे देश में उगाही किया, वो पैसा कहां चला गया। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, उनकी निष्ठा में किसी तरह से हम लोगों को कोई संशय नहीं है। एक्शन में आ गया, देख रहे आंख भाग एकदम एकदम पूरी, लग रहा है कि सारे यहाँ जो जितने बैरागी बंदर वाले हैं, बंदर मार्ट करने वालों के खिलाफ बाबा का तलवार उठ गया है। पहली तरह बैठ लिया आ रहा है तो